वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई टू अलीबाग विद माय फ्रेंड्स। सो इससे पहले मैं कभी अलीबाग नहीं गया हूँ, मेरा पहला ट्रिप है एंड मेरे फ्रेंड्स जा चुके हैं जो जिनके साथ मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं कांजू स्टेशन पे हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा साइन से एक फ्रेंड को रिसीव करूँगा, वहाँ से हम जाएंगे CST एंड CST से गेटवे से हम फेरी लेके जाएंगे मांडवा एंड मांडवा से अलीबाग। सो यार अभी टाइम हो रहा है 4:22 एंड ट्रेन काफ़ी लेट है एंड मुझे पहुंचना था अभी तक साइन में, मुझे होना चाहिए था। सो फाइनली मैं साइन पहुंच गया हूँ, मुझे 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था यहाँ पे, बट 15 मिनट लेट हूँ बिकॉज ट्रेन 15 मिनट लेट चल रही है, लिटरली आज 15 मिनट लेट चल रहा है। मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। सो यार शी केम, कोइंसिडेंस ना, गलती से अच्छा लगा। गलती से नहीं भाई, ये एक्चुअली प्लान था, ठीक है, प्लान था। यस सर, इसको कहते जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। लाइक इसका फास्ट ट्रेन था, अबे पीछे आया। सो इसका फास्ट ट्रेन था, इसका फास्ट ट्रेन छूट गया टिकट की वजह से एंड हम साइंस स्टेशन पे वेट कर रहे थे एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम एक ही ट्रेन में चढ़े बट आगे पीछे चढ़े थे। सो काफी मजा आ गया। सो हम अभी ज्यादा लेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट जाएंगे गेटवे एंड गेटवे के बाद हम फेरी पकड़ के थोड़ी सी हाइट वहाँ पे। फाइनली हमें हमारा टिकट मिल गया है एंड 6 AM इन द मॉर्निंग, लाइक काफी मजा आने वाला है, हम बहुत आगे हैं एंड तो यहाँ लाइन है काफी है, लाइक सुबह सुबह काफी ज्यादा लाइन है। एक घंटे में हम अलीबाग में रहेंगे। हाय हाय, चाय पिया आपने? नहीं मैम, कॉफी पिया। क्या हो गया था भाई, तुझे रोक लिए देखे। सो हमें ऊपर का मिल गया है, इधर आ जा। तो हमें आगे का मिल गया सीट एंड यहाँ से व्यू काफी सही आने वाला है नेक्स्ट टू दिस ड्राइवर सीट। सो या वी आर ऑल सेट टू गो। So guys, how's the Josh? Hi sir. मैडम हमें भी रख लो यार, पगार कम दे देना थोड़ा। Benefits of being a girl. वही, हम लोगों तो कोई पूछता भी नहीं है। आज पहुंच जाएंगे पक्का? 25 minutes? ये सही है। दिखा direction अंगली से। डायरेक्शन यहाँ से पता लग रहा है एंड हम अभी जा रहे हैं अलीबाग। यस, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? सो गाइस, तो हमें यहाँ पे VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है बिकॉज बाहर ठंडी है एंड इफ यू गाइस कैन सी मी, तो ये देखो यार, लाइक लिटरली मैंने ना टॉवल लिया है, ठंड इतनी लग रही थी। अभी फोन जाता है यार, लाइक फोन पे अटैक होने वाला था ऑलमोस्ट, बट बच गए। तो अभी हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज बस लेनी है हमें। गाइस कम ऑन, सो एज यू गाइस कैन सी सबको भागना पड़ रहा है, जल्दी करना पड़ेगा, कम ऑन, कैसे चटाई पे सब भाग रहे, लिटरली भाग रहे भाई। फाइनली मेरी चार डेस्टिनी, यहाँ से भी थोड़ा सा दूर है एंड गाइस कम ऑन। सो हमें टाइम मिलता तो हम ये एक्सप्लेन कर दे बट लोग यार फिर भाग रहे हैं एंड हमें फिर भागना पड़ेगा। इसकी हालत ख़राब हो गई है एंड उसकी भी। सो फाइनली हमें सीट मिल गया, पीस आउट। आप भी अपनी बैठ जाइए सीट पे सर, पीछे बहुत अच्छा सनराइज। सो फाइनली वी रीच एट अलीबाग। यो बेबी व्हाट्स अप। सो हम दोनों का एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया अभी स्टार्ट, उसके लिए हम ढूंढते हैं पहले प्रॉब्लम का सलूशन लाया हो। प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है दोस्त, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, मैं बोलूंगा से यहाँ मत लेना अगर आप आ रहे हो, अगर यंग हो तो, अगर आपकी उम्र हो गई तो आप टैक्सी लेके जा सकते हो। सो हम लोग बस स्टॉप के सामने शुभ मंगल रेस्टोरेंट है वहाँ बैठे हैं
एंड हमने सिर्फ एक्चुअली यहाँ पे दो इडली 60 रुपए का है सो हमें समझ नहीं आ रहा है इमोशनल डैमेज सो इसको कहते हैं लाइक ये डालने वाले करते हैं नहीं ये डालने वाला हूँ मैं बिकॉज इसको कहते हैं लाइक देखिए दोस्तों के साथ दोनों तो यार मतलब थोड़ी बेशरम बनना पड़ता है कि नहीं सो लाइक इतना स्ट्रगल करने के बाद वी आर फाइनली ऑन अलीबाग बीच सो वी आर फाइनली एट अलीबाग बीच मैडम को कीम बीच जाना कीम बीच जाना था यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है एंड उसको देखो भाई को भाई ओ हेलो आजा सो हम दोनों को नहाना है ये दोनों का प्लान चेंज हो गया नहीं नहाने का सो हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे अभी हाई टाइड है तो अलाउ नहीं कर रहे हैं बट प्रोबेबली दोपहर में जाने की कोशिश करेंगे सो मजा आ रहा है एक्चुअली एक दादी को देख के इंस्पायर हुई है ये It's 12:14 in the noon and we'll have to leave for hotel. हमने एक होटल बुक किया है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बस नहा लिए हैं बहुत ज़्यादा रेत हो गई है अंदर एंड अभी हमें फ्रेश होना है थोड़ा खाना पीना खाएंगे उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अलीबाग के मार्केट को 3:30 in the evening and we are all set to leave because everyone cares. ठीक है तो मैं आपको एक सीन बताता हूँ अगर आपको अलीबाग में आना है अगर आप नहा रहे हो और आपको चेंज करना है एक दो घंटे के लिए रेंट पे चाहिए तो भी अवेलेबल है यहाँ पे रूम्स आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो आपको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बोलेंगे बट आप नेगोशिएट करो एंड 600-700 तक डील हो जाता है लाइक लिटरली 3-4 घंटा आप ले सकते हो हमारा 800 का हुआ है सो यहाँ से हम जाएंगे अभी कुछ खाना खाएंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे वापस पकड़ कहाँ पे नहीं नहीं हाँ बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार लाइक लिटरली रात भर के जागे हैं स्पेशली मैं और ये हम दोनों रात में नहीं सोए ये और निहाल दोनों रात भर सो के आए हैं लाइक लिटरली रात भर सो के आए हैं एक छोटी सी ट्विस्ट है बस मेरा टी शर्ट बदला है और कुछ नहीं एंड हम निकलने के लिए रेडी हैं एंड हमें बाय द वे ग्राउंड फ्लोर पे ही मिला था नंबर भी मिला है यार 101 सो निकलेंगे यहाँ से एंड कुछ खाते हैं पहले आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा लगी है उस बंदे को तो मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ तो मेरा मुझे मार के खा जाएगा अभी इतना भूख है उसको सो यार चाचा को ढूंढ रहे हैं चाचा मिले सो आधे आधे हम आए हैं अभी मुंबई जायका में तो इसके सामने हमारा होटल था लेट्स हैव अ सीट इसको कहते हैं कोइंसिडेंस हम इसी बस में गए थे एंड इसी बस में वापस आ रहे हैं वी आर फाइनली एट मांडवा विल गो देयर मांडवा सो वहां जाएंगे एंड वहां ब्यूटीफुल सनसेट है सो द थिंग इज हम जहां से शुरू किए थे हम वहां वापस पहुंच चुके हैं वी आर एट मांडवा बीच एंड मैं ये पहली बार देख रहा हूं लाइक यहां से शिप आई है एंड यहां पे एक बीच है एंड हम यहां से अलीबाग गए थे लाइक इतना दूर स्टार्टिंग ऑफ द बीच इसको कहते हैं लाइक लुक हाउ ब्यूटीफुल इट्स एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि यहाँ पे सूरज ढल रहा है एंड इफ़ यू गाइस कैन सी अप देयर वहाँ पे चांद निकल चुका है एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज एंड यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है यार सो आई लव अबाउट दिस प्लेस कि एक कंटेनर को यूज़ करके एंड इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है एंड यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे आपको सारी टिकट बुकिंग्स मिल जाएंगी बट आई लिटरली लव दिस प्लेस बिकॉज काफ़ी बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की एंड या वी आर अबाउट टू लीव We are excited. Uncle, हमें फिर मिल गए. कैसे uncle? Hi. तो uncle हमें फिर मिल गए. And हम इसी से जा रहे हैं. इसी से हैं ये uncle. चलिए ऊपर मिलते हैं आपको.
So this is happening because of high tide. इस सुबह से लाइक क्या वो इंसिडेंस हुआ है. सो हम लोग वापस अपनी जगह पे जाएंगे ऊपर. एंड एज ऑलवेज हम पहले हैं शिप पे. वी आर बैक. ओह माय. ओह हेलो यार. हेलो. आराम से लाइक लिटरली हमें हमारा कैबिन मिल गया है. तू चलाने वाली है वापस. अंकल आ गए बात कर ले. तो जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी वहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है. एंड लाइक हम बहुत ज़्यादा लकी है सारे फैक्टर्स को अगर कंसिडर किया जाए तो. हमें सेम ट्रेन मिल गई, सेम फेरी मिल गई, एंड हमें ये अंकल वापस मिल गए. एंड इफ आई कैन जस्ट शो यू द व्यू. एंड या वी आर द मिडल ऑफ अरेबियन सी. काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अंकल हम सबको राइड करने का मौका मिला है इस फेरी को. दिस इज अजंता फेरी. एंड या हम सब साथ में हैं. सो वी आर गुड टू गो. सो लाइक अभी हमारी ब्लॉग की एंड होने वाली है बिकॉज वी फाइनली रीच गेटवे ऑफ इंडिया बैक. हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं एंड इससे ज़्यादा ब्लॉग करने और बैटरी नहीं है. सो ब्लॉग की एंड यहाँ ही करते हैं. शुरुआत यहाँ से हुई थी. सो फॉर दैट सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड एंजॉय योर डे.